गाना का नाम है गरम मसाला। कोई भी सब्जी हो अगर कुछ टेस्ट चाहिए, मैं नहीं बोलता हूँ कि हर रोज टेस्ट चाहिए, लेकिन कभी कभी अगर टेस्ट चाहिए, आपको अच्छा टेस्ट चाहिए, तो लोग गरम मसाला का प्रयोग करते हैं। काला काला हमार पीसे नरम मसाला, बाहर पीसे गरम मसाला। ये सॉन्ग ऐसा है जो आप डीजे पे प्ले करके और खूब एंजॉय कर सकते हैं, खूब डांस कर सकते हैं। ये एक ऐसा सॉन्ग है, देखिए जो फैक्ट है मैं वही पे। हर मिक्सी हमार मिक्सी दोनों के मिक्सी, काला काला हमार पीसे नरम मसाला, बाहर पीसे गरम मसाला। लोगों का ये होता है कि घरों में लोग गाने नहीं सुन पाते भोजपुरी, लोगों का कहना होता है कुछ अश्लीलता ऐसी दिखाई जाती है, क्या आपको लगता है इस गाने में, चूंकि नाम तो गरम मसाला, तो नाम से ही लोगों की जो थिंकिंग होती है वो दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाती है, तो इस गाने में ऐसा कुछ है कि जो परिवार के लोग भी देख सकते हैं, फैमिली भी देख सकते हैं, सारे लोग देख सकते हैं। भोजपुरी जगत के संगीत कलाकार इस वक्त हमारे साथ अरविंद अकेरा खल्लू जी हैं, जो कि गरम मसाला सॉन्ग का जो रिलीज है वो अब काशी से होता नजर आ रहा है। देखिए इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए, अरविंद जी गरम मसाला कैसा रहेगा? टेम्परेचर तो बड़ा काशी में गरम है और आपने गाना भी गरम मसाला लॉन्च कर दिया। जी सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे इस इवेंट में वायरल भोजपुरी से जो कि गाना रिलीज हुआ है गरम मसाला। काशी एक ऐसी नगरी है जहाँ पे अगर आशीर्वाद मिल जाए तो कोई भी काम हो वो सफल हो जाता है, तो बाबा विश्वनाथ की कृपा हम सभी पे ऐसे ही बने रहें। गाना का नाम है गरम मसाला। कोई भी सब्जी हो अगर कुछ टेस्ट चाहिए, मैं नहीं बोलता हूँ कि हर रोज़ टेस्ट चाहिए, लेकिन कभी कभी अगर टेस्ट चाहिए, आपको अच्छा टेस्ट चाहिए, तो लोग गरम मसाला का प्रयोग करते हैं। वैसे ही ये गाना जो है टेस्टी गाना है, एक स्टोरी वाइज एक मार्केट का गाना है, जो एक लड़के लड़के के बीच कॉम्पिटिशन होता है मिक्सी को लेकर कि किसका मिक्सी अच्छा है, किसका मिक्सी ऐसा है, तो उसी पे ये कॉन्सेप्ट वाइज हम लोगों ने गाना बनाया है। और आप लोग का आशीर्वाद मिलेगा तो गरम मसाला और आगे भी ऐसे बस। गरम मसाले की शुरुआत काशी जैसे शहर से हो रही है, धर्म अध्यात्म की नगरी कही जाती है, जानना चाहेंगे कि गरम मसाले में क्या कुछ रोल है आपके और इस गाने को बनाने का पीछे का उद्देश्य क्या था? देखिए हर कोई सॉन्ग, जो भी सॉन्ग होते हैं हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में, सैड सॉन्ग होते हैं, रोमांटिक सॉन्ग होते हैं, कोई पारिवारिक सॉन्ग होता है, जो पति पत्नी का सॉन्ग होता है, वैसे ही अधिकतर जितने हमारे यूथ भाई हैं अभी लगन चल रहा है तो लोग डीजे पे डांस करने के लिए सॉन्ग चूज करते हैं, तो ये सॉन्ग ऐसा है जो आप डीजे पे प्ले करके और खूब इंजॉय कर सकते हैं, खूब डांस कर सकते हैं। ये एक ऐसा सॉन्ग है, देखिए जो फैक्ट है मैं वही बोलूँगा। अब मेरा ऐसा गाना है, मैं उसको मतलब जो है सो है। और काशी हम लोगों ने इसलिए चूज किया क्योंकि देखिए हमारी बोली जहाँ बोली जाती है, वैसे उत्तर प्रदेश में हम शूटिंग करते हैं, सब्सिडी मिलती है, तो इसलिए हम उत्तर प्रदेश में आते हैं क्योंकि यहाँ के लोग सुनते हैं, यहाँ के लोग देखते हैं, तो हमारे यही प्रयास रहता है कि जहाँ के लोग गाना सुने, जहाँ के लोग फिल्म देखें, हम वहीं पे आके वहीं के मीडिया वालों से, क्योंकि आप लोग का अहम रोल होता है, कोई भी चीज़ को अगर घर घर तक पहुँचाना हो या शहर शहर तक पहुँचाना हो तो आप लोग का काफ़ी योगदान रहता है हर एक फील्ड में, तो हम लोग इसलिए यहाँ चूज करते हैं कि आप लोग के माध्यम से जो भी हमारे गाने हैं या ये वायरल भोजपुरी कंपनी हो हर एक घर घर तक। वायरल सिंगर हैं शिल्पी राज, उनके साथ आपने काम किया है, कैसा अनुभव रहा क्योंकि अभी नई नई कलाकार हैं? देखिए 3-4 साल से वो सिंगिंग क्षेत्र में हैं, वैसे तो बहुत दिनों से हैं, हमारे साथ उन्होंने अधिकतर 100+ गाने गाए हैं और सारे गाने को लोगों ने प्यार दिया, लोगों ने आशीर्वाद दिया है, तो ये हमेशा एक चैलेंजिंग रहता है हम दोनों के लिए कि हम दोनों कोई भी गाना गाएँ तो वो गाना को लोग जो पिछले गाने हैं उससे अधिक प्यार मिले, तो टीम हमारी बहुत अच्छी है। बिक्की बॉक्स जी जो कि इसी बनारस में उनका स्टूडियो है, आपने बोला ना कि बनारस क्यों चूज किए, क्योंकि बनारस के लोग इसमें काम किए हैं, मैं भी बिहार का हूँ लेकिन रहता हूँ बनारस में ही। राइटर है भागीरथ पाठक जी, विजय चौहान जी ने कॉन्सेप्ट को चूज किया था, तो टीम बहुत मेहनत की है, उस मेहनत का फल तभी मिलेगा जब आप लोगों का प्यार मिलेगा। अगर लोकेशन की बात कर ली जाए, चूँकि अमूमन जब गाने की शुरुआत होती है, जब गाने की शूटिंग की शुरुआत होती है तो लोकेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, काशी जैसे शहर में है, क्या काशी का भी कुछ लोकेशन इसमें इस गाने में मिलेंगे या? इस गाने में नहीं है, इस गाने में दिल्ली का लोकेशन हम लोगों ने यूज किया है, बाकी जितने भी गाने होते हैं 50-50 होता है, हम लोग अधिकतर गाने बनारस में शूट करते हैं। वैसे कांवर आने वाला है
इतना अच्छा हमारे बनारस में घाट है, अभी नमो घाट बन चुका है, 80 घाट पे जाइए। और यहाँ के जो प्रशासनिक लोग हैं, यहाँ के जो अधिकारी लोग हैं, काफ़ी सपोर्ट करते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश का कोई भी जगह हो। और बड़ी दुख होता है कि वैसे बिहार में लोग भोजपुरी भाषा के गाने को सुनते हैं, फिल्मों को देखते हैं, लेकिन वहाँ पर लोग शूट नहीं कर पाते हैं कोई भी कारणों से, लेकिन यहाँ के लोग सपोर्टिव हैं बनारस के, चाहे जौनपुर देख लीजिए, आजमगढ़ देख लीजिए, और यहाँ के प्रशासनिक रूप से बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलता है। तो दिल से बहुत बहुत धन्यवाद इस सरकार को और इस सारे हमारे प्रशासन के। अधिकतर लोगों का ये होता है कि घरों में लोग गाने नहीं सुन पाते हैं भोजपुरी, लोगों का कहना होता है कुछ अश्लीलता ऐसी दिखाई जाती है, क्या आपको लगता है इस गाने में, चूंकि नाम तो गरम मसाला, तो नाम से ही लोगों की जो थिंकिंग होती है वो दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाती है, तो इस गाने में ऐसा कुछ है कि जो परिवार के लोग भी देख सकते हैं, फैमिली भी देख सकते हैं, सारे लोग देख सकते हैं। और रही बात अश्लीलता, रही बात ये जो भी शब्द हैं, अब ये बहुत लिमिट हो चुका है, मतलब हमको लगता है कि 10% ही रह चुका है। तो हम यहीं आप लोग से निवेदन करेंगे कि अच्छे अच्छे चीज़ों को आप लोग प्रमोट कीजिए, अच्छे अच्छे चीज़ों पे बात कीजिए। जब आप अच्छे गाने अच्छे फिल्मों पे बात करेंगे तो सारे कलाकारों का हौसला बढ़ेगा। और हमारा ये मानना है कि अगर हम कोई अश्लील गीत या द्वर्थी गीत गाते हैं तो 5-6 महीना में आपके गाने सुन के लोग बोर हो जाएंगे, फिर बाद में लोग बोलते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, तो ऐसा हम क्यों ना गीत बनाएं कि वो गाना कभी पुराना ही ना हो। तो ये गाने के साथ ऐसा ही सीन है कि ये गाना कभी पुराना नहीं होगा, सबके साथ आप सुन सकते हैं, झूम सकते हैं, नाच सकते हैं। एक जो बातें चर्चा में बनी हुई है, चूँकि अंतिम सवाल लेंगे आपसे, ये कहा जा रहा है कि भोजपुरी के जितने कलाकार हैं अब वो डाइवर्ट हो रहे हैं पॉलिटिक्स की तरफ, चाहे वो पवन सिंह की बात कर ली जाए, चाहे वो तमाम लोगों की बात कर ली जाए, क्या अरविंद अकेला कल्लू भी जाएंगे पॉलिटिक्स की तरफ? अभी तक तो ऐसा मैंने कुछ सोचा नहीं है और अभी बहुत उम्र है। देखिए, एक सिंगिंग करना और एक पॉलिटिक्स में जाना, वो दोनों अलग अलग क्षेत्र है, दोनों कठिन है। सिंगिंग में लोगों का प्यार मिला, 8 साल की उम्र में मैं इस लाइन में आ गया, लेकिन मैं प्रचार में घूमा हूँ, जैसे दिनेश भैया के प्रचार में गया था मैं, रवि किशन भैया के प्रचार में, जिससे मेरा पर्सनली, मैं कोई पार्टी पॉलिटिक्स वाला नहीं हूँ, लेकिन जिससे इन फ्यूचर अरविंद जी जा सकते हैं, मैं बता रहा हूँ, तो पवन भैया के प्रचार में भी गया था। तो अभी भाई लोग अभी हमारे लड़ रहे हैं, बोलते हैं ना कि अगर बड़े भाई लोग उस लाइन में हैं तो छोटे की क्या जरूरत। तो अभी बड़े भाई लोग से जितना हो सके मेरे से, मैं उतना कर रहा हूँ प्रचारक के रूप में। इन फ्यूचर अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है। हाँ, इन फ्यूचर मैं ये बोल सकता हूँ कि समाज सेवा करना है मुझे, समाज की सेवा करना अभी सिंगिंग से कर रहे हैं, भगवान ने और आप लोगों ने उतना दिया है, 2-4 रुपया जितना हो सकता है मैं करता हूँ, बस ऐसे ही प्यार मिलता रहे, आदमी स्वस्थ रहे, आप लोग को एंटरटेन करते। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सब सुन रहे थे अरविंद अकेला कल्लू को, जिनका साफ तौर पे कहना है कि पॉलिटिक्स की रुचि अभी तो नहीं है, लेकिन समाज सेवी की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल की गर्माहट जैसे बढ़ती जा रही है, वैसे ही भोजपुरी इंडस्ट्री की तरफ से गर्म मसाला सॉन्ग जो है वो धर्म अध्यात्म की नगरी काशी में लॉन्च कर दिया गया है। देखना दिलचस्प होगा कि इस गाने को कितने लोग सुनते हैं और किस तरह से इस गाने की जो थिंकिंग होगी, इस गाने की जो सोच होगी, वो लोगों के बीच जाता नजर आएगा। वाराणसी से दीपक चौबे, ब्यूरो रिपोर्ट, आर वॉइस।